अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खाजा। इसे बनाने का परफेक्ट तरीका हम बताएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। हमने यहाँ पे एक कप भर के मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। तो हमारा मैदा बराबर है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। इसका हमें टाइट आटा गूंद लेना है। आटा गूंद के हो चुका है तो इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। दस मिनट बाद हम इसके 5 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए जिसे हम मैदा लगा के बेल लेंगे। हमें पूरी से ज़रा ज़्यादा बड़ा बेल लेना है और साइड में रखते जाएंगे। अभी एक रोटी हमने जो बेल ली है उसे लेंगे, उस पर हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल को हमें अच्छी तरह से लगा लेना है और उसके ऊपर हम मैदा डालेंगे और दूसरी रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे, मैदा डालेंगे। इसी तरह हम 4 रोटियों को करेंगे और ऊपर से जो 5वीं रोटी रखेंगे उस पर हमें ऑयल और मैदा नहीं लगाना है। अभी हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा बेल लेना है। अभी हम इसे ज़रा सा बेल लेंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। छुरी से इस तरह से कट करेंगे। हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और बेल लेंगे। बस थोड़ा सा ही बेलना है, एकदम पतला नहीं करना है। इसी तरह से सारे करेंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह के भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल गरम होने रखा है, इसे हमें लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इस तरह से ऊपर इस तरह से ऑयल डालते जाए तो इसके अंदर की परतें खुलती जाएगी। दोनों साइड से हम इसी तरह से सेक लेंगे। इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करें। तो ये देखिए, हमारा खाजा फ्राई हो चुका है। इस तरह का कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह सारे फ्राई करेंगे। अब इसे हमें चाशनी में से डाल के निकाल लेना है। हमारी जलेबी की चाशनी बच चुकी थी, उसी में हम खाजा को भी डिप करेंगे। आप जलेबी में की वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने ये चाशनी किस तरह से बनाई है। इसे सिर्फ डिप करना है और निकाल लेना है।
तो इसकी परतें देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखिए हमारे सारे खाजा रेडी हो चुके हैं, दिखने में भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।